कोटा नगर निगम द्वारा आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय दशहरे मेले के दुकानदारों के लिए खुशखबरी है। मेले में दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया 30 अगस्त से शुरू हो जाएगी, जिसके लिए नगर निगम ने पूरी तैयारी कर ली है। इसके साथ ही 30 अगस्त को मेला समिति की चौथी बैठक नगर निगम भवन में आयोजित होगी, जिसमें दुकानों की दरें, कलाकार और मेला को लेकर आयोजित हुए संवाद कार्यक्रम में मिले सुझावों पर चर्चा होगी। दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया जल्द शुरू होने से 3 अक्टूबर को मेले की शुरुआत के दिन मेला भरा हुआ नजर आएगा। मेला समिति की आगामी बैठक 30 अगस्त को दोपहर 12:15 बजे आयोजित की जाएगी और 30 तारीख से ही हमारी आवंटन की प्रक्रिया चालू होने वाली है। अधिकारी 3 तारीख से चाहते थे कि 31 और 1 तारीख की छुट्टी है और 2 सितंबर की शायद को छुट्टी है। मैंने उनको कहा कि नहीं, 30 सितंबर से हम चालू करेंगे और अवकाश के दिन भी जो निश्चित रूप से नगर निगम में रेवेन्यू शाखा खुलेगी और उनकी नीलामी की प्रक्रिया चालू करेंगे। आवंटन की प्रक्रिया इस बार कैसी रहेगी, मतलब जो शुरू होगी? आवंटन की प्रक्रिया, जैसे हमारे पास झूले वाले भी आते हैं और सब व्यापारी भी आते हैं, पिछली बार जो प्रक्रिया थी उसमें हमने कुछ परिवर्तन किया है। पिछली बार ओपन बोली लगती थी, सामने रेट बढ़ती थी, तो उसमें जो उसमें व्यापारी भी रेट बढ़ा देता था और ज़्यादा पैसे दे करके निगम को व्यापार में 2 पैसे नहीं कमा पाता, तो अगली बार व्यापारी नहीं आता है। कुछ गुंडागिर्दी भी होती है, जो गुंडागिर्दी है लोगों को रोकती है, पूल हो जाता है, जो लेने वाले 5 लोग हैं उनमें पूल हो जाता है, आपस में राशि बांट लेते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि वो राशि निगम में आनी चाहिए।